हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका चैप्टर नंबर जो थर्ड था वो था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके स्टडी कर रहे थे। ठीक है, स्टडी से पहले एक और छोटी सी आपको बात बता दूं कि जैसा आपको पता है कि आज ईद है। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं सिग्निफिकेंस बता दूं कि असल में क्यों मनाते हैं इसको। मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, आपने मोहम्मद का नाम सुना है। मोहम्मद ने अपना जो बेटे था, अपना खुद का बेटा जो था, उनको सेक्रीफाइड किया था, उनका बलिदान दिया था भगवान के लिए, गॉड के लिए। ठीक है, तो उनके ऑनर में, उनके सम्मान में ये जो आज आप ईद बना रहे हो ये आप बनाते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा अच्छे से बनाना है इसको। ठीक है, थोड़ा खुश खुश रहो। तो राखी भी आ रही है जैसे आपकी, तो राखी को भी आई होप कि ठीक ठाक से बनाओ। ठीक है, टाइम थोड़ा ऐसा ही है, वायरस वगैरह फैला हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सेफ्टी से ही इसको बनाएं। ठीक है, ज़्यादा मौज मस्ती में खो ना जाए सारी दुनिया में। ठीक है, अच्छा तो वापस आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। और ये जो टॉपिक है इतना कॉन्सेप्चुअल, इतना इंटरेस्टिंग और इतना आपकी पूरी बुक का सबसे सिंपल टॉपिक जो लगता है वो है ये कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। असल में आपको आज की जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो जाएगी। वो क्या था कि सर जब एक मेटल या फिर एक कंपाउंड, दो कंपाउंड है या फिर मान लो दो एलिमेंट है, ये रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन किस तरह होती है इनमें, कि सर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं, कैसे वो एक साथ आते हैं और कंपाउंड बन रहा है वो कैसे बन रहे होते हैं। ठीक है, और आपने बताया भी था कि क्या कि जो बैलेंस है उसको आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपकी कन्फ्यूजन है ये सारी आज क्लियर हो जाने वाली है। तो हम सीधा सा ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं, फिर उस सीधे इस टॉपिक पर आ जाएँ कि मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या फिर आपके मेटलॉइड जो भी होते हैं, इन सभी की वैलेंसी जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वैलेंसी ही ये डिसाइड करेगी कि एक एटम से, मान लो वैलेंसी ही डिसाइड करती है कि एक मान लो ए नाम का कोई एटम है, इससे कितने एटम कंबाइन होंगे, B3 बनेगा या B2 बनेगा या फिर क्या बनेगा। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को नॉर्मल लोग क्या लिख देते हैं, AlCl, ऐसे नहीं होगा। आपको एल्यूमिनियम और क्लोरीन इन दोनों की वैलेंस ही बताएगी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl नहीं AlCl3 लिखा जाएगा। ऐसे ही आपका जो सोल्ट बनता है, जो कि आपका सोडियम और क्लोरीन से बनता है, ये NaCl2 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये NaCl लिखा जाएगा। ये भी किस चीज़ पे, ये जो मेथड है या फिर जो कंपाउंड मिल रहा है ये भी किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन इट्स वैलेंसी, इन दोनों की वैलेंसी क्या है। हर एक जो एलिमेंट है, हर एक जो एलिमेंट का एटम है, उसकी एक अपनी स्पेसिफिक वैलेंसी है। ठीक है, आइडेंटिकल वैलेंसी, और उसी के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर पाते हो कि बनने वाला कंपाउंड आपको किस तरह दिखेगा, किस तरह उसका बिहेवियर रहेगा। इवन एक और मैं चीज़ बता दूँ, आप हायर क्लासेज में ये भी बता पाओगे। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम, मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्लोरीन है, 3 क्लोरीन इससे कनेक्टेड है। हायर क्लास में अब इवन आप इतने डीप में चल जाओगे इसके पढ़ते पढ़ते और इतना खो जाओगे, मतलब हालांकि वो बहुत ही अलग लेवल का वो होता है, नशा होता है, कुछ ही बोल लीजिए पढ़ाई का, कि आप एल्यूमिनियम और क्लोरीन इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, बॉन्ड बनते टाइम के बीच में कितना एंगल बन रहा है, वो तक आप बता पाओगे। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है साइंस के फील्ड में, क्योंकि आप इन चीज़ों को बेटा देख नहीं पाते। खाली आप दुनिया भर के हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करके ही आप कंक्लूजन निकाल पाते हो कि हाँ ऐसा हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हमको, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये मान सकता हूँ, मैं तो जो अपने साइंटिस्ट वगैरह उनका काफ़ी सम्मान करता हूँ, जो ऑनर करता हूँ, जो कि वास्तव में काबिल है, और जिसमें बताता रहता हूँ बेटा आपको, अगर फ्री टाइम है आपके पास, आपने स्टडी कर लिया, खेल लिए, कूद लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी फ्री टाइम है, तो मेरे हिसाब से आपको निकोला टेस्ला, एक साइंटिस्ट थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, उनको मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के कंपेरिजन में देखता हूँ, कंपेयर तो नहीं करना चाहिए लेकिन हाँ उस लेवल तक देखता हूँ उनको मैं। निकोला टेस्ला असल में ये अंडररेटेड साइंटिस्ट है काफ़ी, मैक्सिमम लोगों का ध्यान नहीं गया इन पर, लेकिन इन्होंने जो चीज़ें दी, जो डिस्कवरी इन्वेंशन करके दी आपको, वो आपको आज की डेट तक काम आ रही है। वो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन करके दी, लोग बाग शायद सोच भी नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ अगर आपके पास फ्री टाइम है और आप चाहते हो कुछ नई चीज़ सीखना, तो आप निकोला टेस्ला के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसकी निकोला टेस्ला की एक डॉक्यूमेंट्री भी हैगी यूट्यूब पर, आप चाहो तो मैं उनका लिंक भी सेंड कर सकता हूँ अगर आपको वास्तव में जानना है, और नहीं तो आप सीधा ही खुद ही इधर उधर से पता लगा सकते हो। ठीक है, मॉडर्न डे है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप भी स्मार्ट और बाकी तो हैं। चलिए वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पर, तो जान लेते हैं कि ये किस तरह से रिएक्ट करता है। चलिए सबसे पहले जैसे आपकी बुक का ही मैं दे रखा है, हम जान लेते हैं कि ये NaCl ये कैसे बना। ठीक है, इसमें देखिए सोडियम जो है ये क्या है, एक मेटल है, और क्लोरीन जो है ये एक क्या है, ये एक नॉन मेटल है।
ठीक है, ये एक मेटल है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैं सोडियम का मान लो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, सोडियम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सोडियम 11 नंबर पर आता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ तक किस तरह रहेगा, या फिर मैं इसका सबसे पहले वो लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह रहेगा, 2, 8, 1, मतलब कि अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, बीच में आपका न्यूक्लियर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। मैंने ये कैसे पता लगा पाया, क्योंकि तीन आपके इसका पीरियड नंबर क्या है, 3, तो आपके मैंने 3 इसके ऑर्बिट बना दिए, ठीक है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिल किए जाएंगे, वो भी आपको पता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड ऑर्बिट विल हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, एंड लास्ट ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये है आपकी सोडियम की कहानी। लेकिन अगर मैं क्लोरीन का देखूँ, क्लोरीन आता है आपके 17 नंबर पर, ठीक है, तो अगर मैं इसकी भी वैलेंसी और इसका स्ट्रक्चर बना के देखूँ, तो वो देखो, सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 2, 8 एंड 7, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो वो क्या रहेगा, आपका सेंटर में न्यूक्लियर, 3 इसके पीरियड नंबर 3 है, तो इसका क्या कर देते हैं, ऑर्बिट उसमें 3 आ जाएगी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। आपको पता है जितने आपके आपने जो 287 ये लिखे हैं, असल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है, तो फर्स्ट ऑर्बिट विल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड लास्ट और आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाउ ऑब्जर्व इट केयरफुली, क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस इज क्लोरीन, सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन एंड सिंगल एटम ऑफ सोडियम, क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करिए। सोडियम के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन के नीड है, ठीक है। हर एक जो एटम है, या फिर यूनिवर्स, ऑल ओवर द यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक इवन एटम की ये प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, एज लाइक ह्यूमन, जैसे आपके ह्यूमन बींग है, ये क्यों ये पढ़ाई कर रहे हैं और आपका पैसा कमा रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई चलिए ठीक है, पढ़ाई कुछ अलग चीज़ होगी, पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा कमाओगे तो आपकी जरूरत की चीज़ मिल पाएगी आपको, और मिलती रहेगी तो आप एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको, स्टेबिलिटी गेन कर लोगे, किस चीज़ की कमी नहीं है तो आप स्टेबल हो, ठीक है। वही टेंडेंसी आपका अप्लाई होती है आपके इवन छोटे से एटम्स पर, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है और इसको टेंडेंसी, इसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑब्टेन इट्स स्टेबिलिटी। कैसे, क्योंकि अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और आपको पता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही आपका जो एटम है डेट विल ऑटोमेटिकली गेन स्टेबिलिटी, ठीक है, उसको खाली 8 इलेक्ट्रॉन करने कैसे भी करके, ये चीज़ है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो आपको पता है क्या बनेगा, Na+ इसने बना दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कैसे भी करके इसको मिल जाता है, तो क्लोरीन विल कन्वर्ट इनटू Cl-, ठीक है। हमने इनका बताया भी था आपको, चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे, इसमें क्या कब ये माइनस होगा, कब प्लस होगा, ठीक है, कब एनायन कैटायन, वो हमने बताया था। अच्छा ठीक है, प्लस बनाने क्लोरीन बना दिया, लेकिन आपने सुना है क्या हो जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब क्या हो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा। अब देखो इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, आपको क्या करना है, जब ये रिएक्शन कर रहे हैं और अगर उसको आपको शो करके दिखाना है, तो आप कुछ इस तरह लिखते हो, सबसे पहले जो एलिमेंट है उसका नाम लिख लो, आपने लिख दिया सोडियम, आपने लिख दिया क्या सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन को दिखा दो आप इस तरह से, ठीक है, ये मेटल के केस में। और अच्छा एक सेकंड रुकिए, हाँ जी सॉरी फॉर इंटरप्ट, तो देख लीजिए हम सोडियम की बात कर रहे थे, तो जो आपको ये दिखाना है, शो करना है कि सोडियम किस तरह अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, तो आपको दिखाना है कि सबसे पहले उस एलिमेंट का आप नाम लिख दिए सोडियम, ठीक है, बॉक्स नहीं बनाना, मैंने ऐसे बनाया, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये मेटल है, ठीक है। अब इसके रिएक्शन की इसने क्लोरीन से, क्लोरीन को आपने लिख दिया, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है,
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके है 7 इलेक्ट्रॉन, तो आपको 7 क्रॉस बना देने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला है। तो जो गेन करने वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम क्रॉस से करके दिखा देते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को, और जो लूज करने वाला एलिमेंट होता है या फिर लूज करने वाला एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ये वाला, इसको मैंने इस तरह दिखाया है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास इसको नीड थी उसको मैंने खाली छोड़ दिया है। आपको हमेशा दो दो के सेट में ही लिखने हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए, दो यहाँ और दो यहाँ, एक एक क्रॉस यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, ठीक है, एक एक क्रॉस यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, 2 2 2 एंड 1, कितने हो गए, 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने जो लूज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया, और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब जब ये जब मिल जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, अब ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो ये एक दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, बॉन्ड बनाकर ये एक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। और इस तरह से जब भी आपके कोई मेटल एंड नॉन मेटल जब भी ये बॉन्ड बनाकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसको बोला जाएगा आयोनिक कंपाउंड, या फिर इसका एक साइंटिस्ट ने दूसरा नाम भी दिया है, जिसको वो पसंद है वो लिख लो, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड, ठीक है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड। तो ये असल में जब हो रहा होता है, जब आपका NaCl एक सोल्ट के सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अब जो लूज वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसने वो इलेक्ट्रॉन जो लूज हो गया वो क्लोरीन के पास आ गया, क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, इसको एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना था। और जब आप इसका फॉर्मूला लिखते हो तो वो कैसे लिखते थे, देखो जी, आप लिखते थे NaCl सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे तो आपके पास बचता था क्या, आप बोलते थे सर ये सेम नंबर है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये NaCl बन जाएगा। तो जब तो आपने 9th क्लास तक के लिए तो ये ठीक था, बट इवन वी आर इन 10th क्लास, ठीक है, तो उस लेवल के लिए ये असल में ये थ्योरी ठीक नहीं, इसको और डीप से समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो असल में ये चीज़ हो रही होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, इस तरह से आपके जो भी कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। हालांकि और भी तरीके हैं लेकिन ये इनसे वन ऑफ देम है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब खुशी खुशी में चलते चलते एक और जो एलिमेंट है उसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है, कैसे, देख लीजिए। आपको पता है जब भी मैग्नीशियम और क्लोरीन इन दोनों को रिएक्शन होती है तो आपका MgCl2 बनता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही तो होता है, MgCl2 का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड है ये, ठीक है। अब मुझे ये जानना है असल में ये हो कैसे रहा है, बन कैसे रहा है, तो देखिए मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, ठीक है, क्लोरीन जो है ये कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो किसी मेटल और नॉन मेटल दोनों के एग्जांपल ले सकते हो। अच्छा जी देखो, मैग्नीशियम की अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो व्हाट विल हैव, इट विल हैव 2 8 2, एंड व्हाट अबाउट क्लोरीन, इट विल हैव 2 8 7। अच्छा इसको एक और तरीके से करके देखते हैं, क्या आपको पता है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन हम जब इनकी वैलेंसी की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट इट्स वैलेंसी, तो मैग्नीशियम विल हैव +2 वैलेंसी एंड क्लोरीन विल हैव -1 वैलेंसी, एंड इफ यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इफ यू अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट विल हैव, इट विल हैव सर Mg मल्टीप्लाई बाई -1 मीन Mg एंड Cl मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय +2 मीन MgCl2। सो इस मेथड से असल में MgCl2 बन रहा होता है, लेकिन हम डीप में जाना चाह रहे हैं, यहाँ तक तो हम सर ने हमने 10th में भी पढ़ लिया था, अब हम और डीप में जा रहे हैं, वो कैसे होगा वो देखिए। मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का एक सिंगल एटम ऑफ मैग्नीशियम, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और आपको पता है थोड़ा ऑब्जर्व इट केयरफुली क्या होगा, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को स्टेबिलिटी गेन करनी है तो ये क्या करे कि इसकी स्टेबिलिटी गेन हो जाए, क्या कर सकता है? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मीन्स इट विल बी स्टेबल। ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं डॉट्स। और ये क्या है, ये एक मेटल है, ठीक है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ देखो, मैं बात कर रहा हूँ क्लोरीन की, ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 7। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं। सेट कैसे कि सर 1, 4 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ एक इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ये आप ये होल जो बना नहीं सकते, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दूसरा जो एक और इलेक्ट्रॉन बच गया वो क्लोरीन के दूसरे एटम को भी तो दे सकता है, तभी तो आपका MgCl2 फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक और क्लोरीन का एटम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू राइट 2, 4, 6, 7 एंड ये आपका एक ओपन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना बेटा, मैग्नीशियम इज मैटर एंड क्लोरीन इज नॉन मैटर, ठीक है। मैटर और नॉन मैटर के बीच की कहानी हो रही है और उसी का रिजल्ट है कि आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा मैग्नीशियम, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गेन बाय क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया एंड जो ये वाले इलेक्ट्रॉन था ये बेचारा सिमट कर इधर आ गया, ठीक है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड इट विल गेन बाय क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन इससे गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे गया, क्या फॉर्म हो गया फाइनली MgCl2। तो इस तरह से असल में आपके जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट सॉरी जो भी आपके एटम्स हैं वो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं MgCl2, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा कोई बच्चा सा ले लेते हैं, क्या है मान लीजिए CaCl2, कैल्शियम डाइक्लोराइड, ठीक है, सिंपल सा है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ओनली 2, ठीक है। या फिर इसकी वैलेंसी की बात करें आप तो वो कुछ इस तरह रहेगी, क्लोरीन के वैलेंस +2 एंड इट विल हैव -1, इफ़ यू अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल हैव CaCl2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन इसी को उठा ले क्या, ठीक है, थोड़ी दूरी बढ़ती क्या है, इसी को ले लेते हैं, बार बार थोड़ी बनाएंगे, है ना, पागल थोड़ी अपन। अच्छा, तो फिर क्लोरीन को भी पास लिख लेते हैं ना, ठीक है, क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एज लाइक मैग्नीशियम फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, सेम कैल्शियम विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा ये आ गया, ठीक है। कैल्शियम को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी गेन हो चुकी है। क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, मीन इसने भी अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। दिस इज मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल एंड कंबाइनिंग टू फॉर्म ए आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह असल में आपके कोई भी जो मेटल और नॉन मेटल इस तरह से रिएक्शन करके आपके कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक हो, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। बेटे एक और चीज़ आपको जिस तरह के मेथड में पढ़ाता हूँ, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि बोर्ड सर आप बोर्ड में कुछ राइटिंग आपकी काफ़ी गंदी है या फिर ज़्यादा साफ है या फिर आप
कुछ चीज़ें जैसे आप सजेशन करना चाहो कि मान लीजिए डायग्राम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, या फिर कोई मैं ड्रॉ करता हूँ कोई फ्लो चार्ट वगैरह उसमें रिलेटेड दिक्कत है, या फिर चाहते हो आप कि सर आप इसको और अच्छे से समझाओ, मतलब इसको और डीप में जाके और इसको अच्छे ज़्यादा एग्जाम्पल लेके किसी टॉपिक को समझाओ, तो ऐसे कुछ सजेशन है तो आप बता सकते हो। अल्टीमेटली जो ये वीडियोज़ हैं ये आपके लिए तो बन रही है ना, मैं तो क्या करूँगा इनको पढ़ के, ठीक है, आपके लिए सारी चीज़ें हो रही है। तो और मैं एक चीज़ क्लियर बोल रहा हूँ, आप फीस दे रहे हो यहाँ के लिए, ठीक है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर आप फीस दे रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आप सीखना चाह रहे हो, आपके जो भी स्कूलिंग सिस्टम में चीज़ें काम करती हैं, जो भी आप सीखना चाह रहे हो वो आप सीखो। ऐसा नहीं कि इनको ऐसे ही ओपन के ठीक है फीस दे दी और काम खत्म, नहीं, फीस दी है तो आपके जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपकी भी ड्यूटी बनती है, आपके क्वेश्चन वगैरह आपके डाउट वगैरह जो भी आपके साइंस रिलेटेड, इवन मैं साइंस की बात करूँगा बाकी सब्जेक्ट नहीं, साइंस रिलेटेड जो भी आपके डाउट वगैरह दिमाग में आ रहे हैं उनको आप क्लियर करें, क्योंकि यही चीज़ असल में आपका आगे क्या करोगे फ्यूचर को उसे डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बिलियनियर बनोगे कि मिलियनियर, नहीं, बस एक अच्छा फ्यूचर रहेगा अगर आप इस तरह से चलते हो, तो नहीं चलते तो बाकी तो आप 10-20 साल बाद देख ही लोगे आप कहाँ हो, ठीक है। अब भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो बता सकता है, नहीं तो फिर आराम से ईद वगैरह मनाओ, राखी वगैरह बनाओ, ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू बेटा।